और कुछ बाहर नारे लगाए गए, कुछ मीडिया वालों को पीटा गया। आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर विरोध किया गया, आपने आप ही की कमेटी ने हमें अलाउड नहीं किया कि नहीं आप आएंगे यहाँ पर, मेरी जान को खतरा है। अगर मैं पहले दिन आ सकता हूँ तो मैं दूसरे दिन भी आ सकता हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की ओडिशा की मीटिंग आखिर क्यों नहीं हो पाई। तो हमने इस चैनल पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की ओडिशा मीटिंग क्यों नहीं हो पाई। वो हमें कुछ लोगों ने बताया था जो इस क्रूसड को अटेंड करने के लिए गए थे। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो खुद प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने बताया कि 27 मई की मीटिंग क्यों कैंसिल हुई थी। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने बताया वो क्रूसड किसी ने करवाया था, तो 26 तारीख की मीटिंग तो हो गई थी पर 27 तारीख की मीटिंग क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जिन लोगों ने वो क्रूसड करवाया था उन लोगों की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट की वजह से ये मीटिंग कैंसिल हुई थी। वहाँ पर उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ था इस क्रूसड को लेकर। चेयर, टेंट, जनरेटर, LED कैमरा, इन सभी का रेंट प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को खुद देना पड़ा था। आप इस बिल के अंदर भी देख सकते हैं, ये बिल 26 और 27 तारीख की मीटिंग का है जो उड़ीसा में हुई थी। ये सब खर्चा उनको देना चाहिए था जिन्होंने ये मीटिंग करवाई थी, पर यहाँ पर यह सारा खर्चा प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को देना पड़ा, क्योंकि उन लोगों में आपस में फूट पड़ गई थी जिसके कारण वह अपना काम सही से नहीं कर सके। और इसका फायदा और लोगों ने उठाया, वहां पर और भी लोग पहुंच गए और भीड़ में घुसकर उन्होंने ऑफरिंग जो भेंट होती है लोगों से इकट्ठा कर ली और निकल गए। जिन्होंने मीटिंग करवाई थी उनको यह भी नहीं पता चला कि ऑफरिंग लेकर कौन चला गया। आपको इस बात से पता चल गया होगा कि कैसा मैनेजमेंट किया था। आप लोगों ने 26 तारीख की मीटिंग में भी देखा होगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर लाइट भी नहीं थी और वहां पर टेंट भी उसी दिन लगवाया गया था, और वहां 26 तारीख की मीटिंग के अंदर कुछ दूसरे लोग भी पहुंच गए और वहां का माहौल बिगाड़ना चाहा, पर 26 तारीख की मीटिंग हो गई। और 27 तारीख की मीटिंग के अंदर भी वहां पर बहुत विरोध किया गया और नारे भी लगाए गए, और कुछ लोगों ने बताया वहां पर RSS और बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए और कुछ लोगों को मारा पीटा भी गया, और वहां पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था जिसके कारण प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के साथ जो लोग आए थे उन्होंने प्रॉफिट जी को फोन कर मना कर दिया कि वो यहां पर नहीं आए, क्योंकि वहां पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और जिन्होंने मीटिंग कराई थी उनके बीच में फूट पड़ गई और वे लोग आपस में लड़ने लगे, तो जिसके कारण प्रॉफिट जी वहां पर नहीं पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप उड़ीसा मीटिंग के अंदर गए हो तो आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।